मोमेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आसनसोल नगर निगम के 105 नंबर वार्ड के करीब 100 वर्षों पुराने दीसरगढ़ पीर स्थान मेले में आई दुकानदारों की हालत कुछ अजीबोगरीब हो चली है। इस कोरोना महामारी के कारण उनके सामने कहावत चरितार्थ होने लगी है कि धोबी का कूटा न घर का न घाट का। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष यहां 19 मार्च को पीर बाबा के सम्मान में गोसुल और उर्स कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें पाक्षिक मेले का भी आयोजन होता है। इस मेले में दूर दराज से काफ़ी लोग खिलौने, खेल तमाशे की दुकानें लेकर आते हैं। इस बार संयोग कुछ ऐसा रहा कि 20 मार्च के बाद से ही पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी है, जिसके कारण न तो मेले में ये कुछ आमदनी ही कर पाए और ना ही यहाँ से जा पाए। नतीजा अब खाने पीने के लिए समस्याएं हो चली हैं। कब आए थे मेला में? हम आए थे 19 मार्च को। तब से तो आमदनी आपकी हुई नहीं? नहीं। तो खाना पीना कैसे कर रहे हैं? खाना पीना बाजार से मिल रहा था, वही चावल दाल। कितने लोग हैं आप? हम दो आदमी हैं अभी परिवार लेके। मेला अगर खत्म हो जाता या जाने का साधन हो जाता तब कैसा, कहाँ जाते? हम जाते हैं आसनसोल। आसनसोल मेला में? हाँ। आसनसोल में कौन सा मेला अभी? वो आपका ईज मेला होता रहा। अच्छा, माने मेला मेला सामान ले जाते? हाँ हाँ। घर आप नहीं जाते? नहीं। माने कोई परमानेंट जगह नहीं आपका रहने का? आपके बाल बच्चे? बाल बच्चे है नहीं। ओ, कुंवारे हैं? हाँ। ये आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं? मायावा सीतारामपुर रहते हैं। क्या क्या लेकर आए हैं मेले में? झूला है, ब्रेक है, डाइगन है, नौका है। इस सब का आप देख रेख करते हैं? जी। यहाँ इस मेले में कब आए थे आप? हम लोग 8 मार्च को यहाँ आए थे माल लेकर। तब से आप यहीं जमे हुए हैं? जी। लॉकडाउन में फंस गए? जी। अगर लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग चले गए सामान लेके, कई तो ये राधानगर के भी लोग हैं चले गए, आप क्यों नहीं गए? इतना माल लेके सर हम लोग कहाँ जाते? अगर यहाँ से जाते तो कहाँ जाते? अब घर पर ले जाने के मतलब है मालिक का 1 लाख रुपया लगा, पुरेनिया घर है मालिक का। अच्छा। अब यहाँ से माल ले जाने के लिए तो 1 लाख रुपया चाहिए, तब नहीं जा सके। तो आप यहाँ से पूर्णिया चले जाते हैं या किसी मेले में जाते? मेले में भी जाने का प्लानिंग था लेकिन मेला सब कैंसिल हो गया, इस कारण से हम लोग यही पड़ा हुआ है। आपके साथ कितने परिवार के सदस्य हैं, मतलब मेले में जो काम करने लोग आए हैं कितने लोग हैं? हम लोग थे 16-17 आदमी, सब छोड़ दिए, सबको। सभी चले गए? जी। आप लोग कहा अभी कितने आदमी हैं? अभी 3 आदमी हैं। खाना पीना कैसे चल रहा है? यहीं पर बना रहा है, खा रहा है। तो ये खर्चा पानी कैसे आ रहा है? खर्चा पानी मालिक रख के गया था, वो खत्म होने वाला है। अब यहाँ के लोगों से कोई सहयोग मिला है? मजार से मिला था। डायलिसिस के दौरान पुरुलिया सदर अस्पताल का सीलिंग गिरने से शनिवार को 5 मरीज घायल हो गए। इस प्रकरण में आरोप लगाते हुए पुरुलिया जिला भाजपा के अध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती ने कहा कि डायलिसिस के दौरान ही पुरुलिया सदर अस्पताल का सीलिंग गिरने से जिस तरह से 5 मरीजों की घायल होने की घटना दुखद है। हॉस्पिटल डायलिसिस चलाकालीन जेभावे सीलिंग धसे पड़ल एवं 5 जन रोगी आहत हल, এটাতে প্রমাণ করছে যে সরকারি টাকায় যে সকল বিল্ডিং হয়েছে সেই সকল বিল্ডিংয়ে মোটা টাকার কাটমানি চলেছে। बाराबनी ब्लॉक के ईसर श्रीपुर एरिया भानोरा कोलियरी में CISF की तरफ से एक वृक्षारोपण अनुष्ठान का आयोजन किया गया। यहाँ इस दिन लगभग 100 से अधिक पेड़ लगाए गए। वहां उपस्थित रहे भानोरा वेस्ट ब्लॉक कोलियरी के एजेंट अनिल कुमार सिन्हा, भानोरा वेस्ट ब्लॉक CISF कैंप के इंचार्ज अरूप चक्रवर्ती, प्रदीप कर्मकार एवं भानोरा वेस्ट ब्लॉक CISF कैंप के समस्त सदस्य। इसके अलावा श्रीपुर एरिया भानोरा कोलियरी के समस्त वर्कर्स भी उपस्थित रहे। 26 जुलाई को आसनसोल के अखिल भारतीय मानव अधिकार संस्था ने आसनसोल SB गुराई रोड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।
पुरुलिया जिले के सातोरी ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रविवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती, सातोरी ब्लॉक अध्यक्ष अरूप आचार्य, सातोरी पंचायत समिति के विपक्षी नेता सोमन मंडल और गणेश शांतिकारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। नेत्रहीन मेधावी छात्र की पढ़ाई में सहायता के लिए नितुड़िया ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस, नितुड़िया पंचायत समिति और शशिभूषण प्रसाद यादव वेलफेयर सोसाइटी ने सहायता का हाथ बढ़ाया। रविवार को उसके घर जाकर उसे 2 साल के पढ़ाई का खर्च और पढ़ाई में सहायता के लिए एक श्रवण यंत्र दिया गया। इस दौरान नितुड़िया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांतिभूषण प्रसाद यादव, सुभाष चंद्र बावरी, अमर चंद्र मांझी, मीनू गोराई, महेंद्र साव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। वशिष्ठ सिंह माध्यमिक परीक्षा 85% नंबर नहीं पास करे छिले एवं उच्च शिक्षा जोने उन्हें संवाददाता के पीछे हमरा खबर पाई कि उन्हें उच्च शिक्षा जोने एक आवेदन करे छिले कि हमारे जो भी क्यों सहायता जो कर ले उन्हें भलो हो हमरा से पुरिया दर्पण के धन्यवाद जानाबो। पुरिया दर्पण ने न्यूज़टा प्रकाशित करार जन्य 23 জুলাই তে উনি প্রকাশিত করেছিলেন। আমরা সেটাই দেখে আমরা আজকে রায়গঞ্জ অঞ্চলে শিমুলিয়া গ্রামের বশিষ্ঠ সিংহের সঙ্গে আমরা দেখা করি। আমাদের সমস্ত আঞ্চলিক নেতা থেকে নিয়ে ব্লক নেতৃত্ব এবং ওনার 2 বছরের যা খরচা সেটা নেতুরিয়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস এবং শশিভূষণ প্রসাদ যাদব ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে সমস্ত স্কুলের যে খরচাটা মাসিক খরচাটা আমরা কিন্তু আমরা ওই খরচাটা বহন করব। मांडेश्वर नॉन गवर्नमेंट टीचर वेलफेयर एसोसिएशन और पश्चिम बंग विज्ञान मंच APJ अब्दुल कलाम विज्ञान केंद्र अंडाल के संयुक्त सहयोग से मांडेश्वर अजय नदी श्री श्री राधा गोविंद सेवाश्रम प्रांगण में वन महोत्सव पर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित रहे अंडाल विज्ञान मंच के सचिव धनुषधारी राय ने कहा, पश्चिम बंग विज्ञान मंच ने सिद्धांत लिया है, पूरे राज्य में पौधारोपण करेगी।